लॉकडाउन 5 को देखते हुए इंदौर पुलिस थाने परिसर के बाहर टेंट लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए फरियादियों की समस्याएं सुनेगी और FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ जिन क्षेत्रों में ढील दी जाएगी उन क्षेत्रों को लेकर भी पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है। भीड़भाड़ वाली जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। इन सब को लेकर पुलिस ने तैयारी कर ली है। सर, लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में सर किस तरह की क्षेत्र में व्यवस्था रहेगी, क्योंकि रियायत भी दी जाएगी और क्राइम कंट्रोल भी करना है सर, तमाम चुनौतियां सामने से किस तरह से निपटा जाएगा? बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत कल से होने वाली है। इसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर बड़ी तैयारियाँ की जा रही हैं, कैसे जनता को लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी चीज़ों को पूरा करना है और कैसे हमको उनको सुरक्षित भी रखना है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इसमें थाना लेवल पर भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अभी निर्देशित किया गया है कि क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे अपराधों की रिपोर्टें, छोटे मोटे झगड़े जो हैं उनकी रिपोर्टें थाने पर आएंगी, फरियादी थाने पर आएंगे, ऐसे में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में अभी ये निर्णय लिया जा रहा है कि थाने के बाहर ही टेंट लगाकर वहाँ कुर्सी और टेबल लगाकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि फरियादी को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से दूरी रखकर उनकी समस्या को सुना जाए, उनका निराकरण किया जाए, वहीं पर उनकी जो भी FIR वगैरह है वो पंजीबद्ध की जाए। इसके अलावा क्षेत्र में किस प्रकार से दुकानों को खुलवाना है, वहाँ पर किस प्रकार से लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, किस प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने की संभावना, वहाँ पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक वृहद रूपरेखा तैयार की जा रही है जिसको कल से अप्लाई किया जाएगा। इसके संबंध में विस्तृत चर्चा भी की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।